नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। श्योपुर, किसानों की चेतावनी, खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाए प्रशासन, वरना करेंगे आंदोलन। किसानों ने घेरी कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। श्योपुर जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने, खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कलेक्टर किशोर कुमार भदौरिया के नाम तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों की ने समस्या का हल न होने की दिशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसान नेता राधेश्याम मीणा ने दिए गए ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी कि जिले में खाद की निजी दुकानदारों के द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। डीएपी एवं यूरिया खाद को तय दाम से अधिक दामों पर बेचे जाने की शिकायत किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है। खाद के साथ किसानों को खेती में अन्य दवाइयों को लेकर निजी दुकानदारों के द्वारा किसानों से लेने मजबूर है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मामले को लेकर के यहाँ किसान एकत्रित हुए और किस मामले का ज्ञापन दिया गया? श्योपुर जिले में लगातार खाद की, विशेषकर डीएपी खाद की कमी बनी हुई है, तो हमने प्रशासन से मांग की है डीएपी की किसानों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही यहाँ श्योपुर में खाद की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी व्यापक स्तर पर निजी दुकानदारों के द्वारा की जा रही है, जिसके कारण किसानों का भयंकर रूप से शोषण किया जा रहा है। प्रत्येक दुकान खाद को महंगे दरों पर बेच रहा है एवं किसानों को साथ ही अन्य जो खेती की दवाइयाँ हैं उनके लेके मजबूर किया जा रहा है, तो एक प्रकार से किसानों का शोषण किया जा रहा है। आज हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देकर मांग की है खाद की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को तत्काल बंद कराया जाए एवं खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिले की सभी सहकारी समितियों पर खाद पहुँचाया जाए, अन्यथा श्योपुर जिले का किसान आने वाले समय में व्यापक एवं उग्र आंदोलन करेगा।